फ्रेंड्स, गदर 2 बॉलीवुड की आने वाले एक धमाकेदार फिल्म है। इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्सुकता है। 21 साल बाद अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता अनिल शर्मा हैं। गदर 2 साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल है। साल 2001 में आई फिल्म गदर की कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित थी, लेकिन आने वाली फिल्म गदर 2 की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। इस फिल्म के हीरो सनी देओल, तारा सिंह और हीरोइन अमीषा पटेल सकीना के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में सनी देओल फिर से पाकिस्तान जाएंगे और फिर से पाकिस्तान में भारत का झंडा बुलंद करेंगे। की जानकारी के लिए बता दें, गदर 2 विकिपीडिया पेज के अनुसार यह फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी, लेकिन सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि यह फिल्म इस साल 2022 के नवंबर तक रिलीज हो सकती है, लेकिन अभी इस फिल्म के ऑफिशियल रिलीज डेट के बारे में घोषणा नहीं हुई है। अगर यह फिल्म किसी कारणवश इस साल रिलीज नहीं हो पाती है तो अगले साल 2023 के शुरुआती महीनों में जरूर रिलीज हो सकती है। बॉलीवुड के एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल इन दिनों अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने एक इवेंट के दौरान फिल्म से जुड़ी कई बातों पर खुलासे किए हैं। फ्रेंड्स, इसमें सनी देओल एक जबरदस्त एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में गदर एक प्रेम कथा जो कि 2001 में आई थी, वहीं अभिनेत्री अमीषा पटेल भी नजर आने वाली हैं। फ्रेंड्स, सनी देओल एक जबरदस्त एक्शन में नजर आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में गदर एक प्रेम कथा की वहीं अभिनेत्री अमीषा पटेल भी नजर आने वाली हैं। तो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सनी देओल जी की जो है गदर 2 का ट्रेलर आपको कैसा लगा। क्या आप जो है सनी देओल जी की गदर 2 मूवी देखना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।